दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग लॉ ऑफ टॉर्स का अगला जनरल डिफेंस देखेंगे जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो आइए समझते हैं इस कंसेप्ट को। कोई भी एक्ट किया जा रहा है, ऐसा एक्ट जो लेजिस्लेचर के द्वारा ऑथराइज्ड है, जैसे फॉर एग्जांपल रेलवे चल रही है तो उसका ड्राइवर ट्रेन चलाता है, या रेलवे के द्वारा कोई भी स्पार्क उत्पन्न होता है, ऐसे एक्टिविटीज, क्योंकि रेलवे जो है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी से चलता है, बकायदा रेलवे एक्ट पास हुआ है। तो यही है स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। क्या है कि कोई भी ऐसा एक्ट जो स्टैट्यूटरी एक्ट है, स्टैट्यूट से डिराइव एक्ट रहता है, और वो करने के दरमियान में अगर कोई भी डैमेज उत्पन्न होता है, डैमेज ऑकर होता है, ऐसा एक्ट लायबल नहीं होगा। और अगर ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी के द्वारा नहीं होता तो ये लायबल होता है, टॉर्ट होता है। ये जैसे एग्जांपल देखते हैं, यही रेलवे वाले एग्जांपल को थोड़ा बेहतर ढंग से देखते हैं। जैसे रेलवे पास करती है, ट्रेन पास करती है अपने ट्रैक पर से, तो अगल बगल ज़मीन होता है, वो ज़मीन किसी प्राइवेट पर्सन्स के होते हैं, तो ज़मीन पर इंटरफेरेंस तो होता है, बहुत टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं। कैसे? जैसे वाइब्रेशन होता है, पॉल्यूशन होता है, मतलब स्मोक एमिशन होता है, और ढेर सारे होते हैं। ऊपर अगर जाती है अगर इलेक्ट्रिक वाली, तो उसमें स्पार्क का भी एमिशन होता है, तो ढेर सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो ये सारे लायबल नहीं होते हैं। तो अब आप पूछिएगा कि इसमें रेमेडी क्या होता है, जो अफेक्टेड पर्सन होता है, रेमेडी क्या होगा? इसमें कोई भी रेमेडी नहीं होता है, सिवाय एक रेमेडी ये है कि जो अफेक्टेड पर्सन है वो कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है, और वो कंपेंसेशन केवल वही कंपेंसेशन क्लेम कर सकता है जो उस जो स्टैट्यूटरी एक्ट है, स्टैट्यूट है, उस स्टैट्यूट में जो डैमेज दिया हुआ है, बस वही वो क्लेम कर सकता है। ये रेमेडी है। एक केस देखते हैं 1860 का, दो केस देखेंगे इस कंसेप्ट को समझने के लिए। एक 1860 का केस है, वॉघन वर्सेस टाफ वाल्डे रेलवे कंपनी। वॉघन VAUGHAN, वॉघन वर्सेस टाफ TAFF, टाफ वाल्डे VALDE, वाल्डे रेल कंपनी। इसमें क्या होता है, इसमें रिस्पोंडेंट रेलवे होता है और एपेलेंट कोई प्राइवेट पर्सन होता है। रिस्पोंडेंट रेलवे के इंजन से कुछ स्पार्क निकलता है, और स्पार्क के निकलने से क्या होता है, जो एपेलेंट होता है, एपेलेंट की ज़मीन पर कुछ लकड़ियाँ रखी होती हैं और उसमें आग लग जाता है उस स्पार्क की वजह से। तो यहाँ पे हेल्ड ये होता है कि चूंकि वो स्टैट्यूट के दरमियान के अंतर्गत ही वो सारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं, एक्ट हो रहे हैं, और जो रेलवे कंपनी है वो अपने तरफ से किसी प्रकार का कोई नेग्लिजेंट नहीं था, तो यहाँ पर जो रिस्पोंडेंट है, रेलवे कंपनी है, वो लायबल नहीं हुआ। और लायबल हो सकता है, कब हो सकता है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि एन एक्शन लाइफ लाइज इफ डन नेग्लिजेंट। जो स्टैट्यूट एक्ट प्रोवाइड कर रहा है, वो एक्ट अगर किया जाता है, नेग्लिजेंटली किया जाता है, जो ड्यू केयर होता है वो ड्यू केयर नहीं रखा जाता है, नेग्लिजेंटली किया जाता है, तो ये ऐसा लायबल होता है। एक केस देखते हैं 1870 का, हम लोगों ने पहला केस देखा 1860 का, वॉघन वर्सेस टाफ वाल्डे रेलवे कंपनी। इस केस में जो रेलवे कंपनी थी वो लायबल नहीं हुई, 1860 का केस है। नेक्स्ट केस देखेंगे 1870 में, इस केस में रेलवे कंपनी लायबल होगी, और इस केस का नाम है स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी। बहुत फेमस केस है, 1870 का केस है, 1870। इसमें क्या होता है, इसमें रेलवे कंपनी के कुछ सर्वेंट्स होते हैं, रेलवे के अगल बगल आप लोग ट्रेन से सफ़र करते होंगे तो देखते होंगे कुछ जो स्टाफ होते हैं हमेशा कुछ कुछ करते रहते हैं, जैसे जो पत्थर होते हैं रेलवे ट्रैक पे, जो स्टोन्स होते हैं उनको उठा के सही तरीके से रखना, या घास फूस छीलना, ये सब साफ होता है। तो इस केस में होता है कि जो सर्वेंट्स होते हैं वो घास वगैरह साफ करके वहीं पर छोड़ देते हैं, रेलवे का इंजन वहाँ से क्रॉस करता है, मतलब ट्रेन क्रॉस करती है, इंजन जाता है, तो इंजन से क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है और घास में आग लग जाता है, और बहुत काफ़ी तेज़ विंड भी बहता होता है, तो विंड से क्या होता है कि उस घास में जो आग लगा रहता है वो जाकर प्लेंटिफ के
प्लेंटिफ का एक कॉटेज होता है, कुटिया होता है, वो 200 यार्ड के दूरी पे होता है, 200 यार्ड के दूरी पे होता है। तो यहाँ पर हेल्ड ये हुआ कि जो सर्वेंट्स हैं वो नेग्लिजेंट हैं। क्यों नेग्लिजेंट है? क्योंकि जो साफ सफाई किया गया, घास छिला गया, घास हटाया गया, वो घास वहीं पे उन लोगों ने रख दिया। घास छिल के उन लोगों ने कहीं एक सुरक्षित जगह नहीं रखा या कहीं उसे डिस्पोज ऑफ नहीं किया, तो यहाँ पे नेग्लिजेंट था और इसीलिए रेलवे कंपनी लायबल हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये वीडियो जो था ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, जो लॉ टॉर्ट्स का जनरल डिफेंसेस है यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।